ये जो कलाक सलार नेट
क्या काम है? ऐसे वक्त में देख की रास्ता है, बादशाह से गुना समझी का हाथ मिला लिया जाए, मिला लिया गया तो निर्णय ले लिया और मारवाड़ से दिल्ली आए, बादशाह से समझी का हाथ मिला लिया। ये बात तय हुई कि बादशाह सलामत में बीमार हो, हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी रियासत को अपने अधिकार में लेना, मेरा पुत्र है शासन जिसका नाम उमर सेन आजाद है, जब वो जवान हो जाए तो अपनी सेना में उसके लायक कोई अच्छा सा पद दे दे। तो ये बात तय हुई, मारवाड़ आ जाते हैं और ऐसा ही हुआ, उन दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है और छतारी भी सामने गुना से वो भी जल वसी बादशाह को बता लगा तो मारवाड़ पहुंची, बैठे शोक व्यक्त किया और चलते समय जासिंग को अपने साथ ले लिया कि भाई तू हमारे साथ दिल्ली चल चल। तो अभी कई राजपूत घर उनके साथ दिल्ली आ जाते हैं, बादशाह ने उनके लिए एक अलग जगह बनवा दी, राम राम बना दिया, जिसको गर्भ मेला बोला गया। अब जासिंग के अच्छे ढंग से वो प्रवेश करते, धीरे धीरे जवान हो जाता है, तो जवान होने के बाद उसे सेनापति का पद दे दिया। तो एक दिन श्रीनगर से सरदार जाप सिंह के लिए चिट्ठी आती है, राम राम घोड़े के लिए, उसमें लिखा हुआ था कि आइए और घोड़ा कर ले जाइए। तो सरदार जाप सिंह बादशाह के पास एक छुट्टी की दरखास्त लेकर पहुंचे, वो चिट्ठी लिखाई और 15 दिन की छुट्टी अपनी मंजूर करा दी, छुट्टी लेकर श्रीनगर जा पहुंचे और जाकर दुआ सलाम कर दी। हाँ बंदगी साहब, बंदगी साहब, बंदगी
कर देना कर देना कर।